वेलकम बैक दोस्तों, सैगी 3DM में फिर से आपका स्वागत है। और सैगी 3DM के जो पैटर्न टूल्स हैं उसके अंदर आपने अभी तक 2D के 3 टूल्स देख लिए जो मैंने डेवलप किए आप लोगों के लिए, एंड सरफेस के ऊपर अप्लाई होने के लिए जो जाली या पैटर्न डालने के लिए फर्स्ट टूल देखा हमने, जो सेकंड टूल है, इंस्टॉलेशन देखा हम लोगों ने, सारी चीज़ें देखी। अगर नहीं देखी है, इंस्टॉलेशन वगैरह का प्रॉब्लम है आपको, तो प्लीज़ जाके मैं यहाँ पे आई बटन पे डाल रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिए, पूरा प्लेलिस्ट रहेगा इसके अंदर, फर्स्ट वाला जो वीडियो ज़रूर देखिए। एंड अपन आते हैं सेकेंड नंबर वाले टूल के ऊपर, 3D वेव पैटर्न्स। देखिए यहाँ पर सिलेक्ट सरफेस, तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो, यहाँ सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्ट सरफेस, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से आया है। अब मैं सरफेस को एक बार के लिए हाइड कर देता हूँ, तो देखिए इस तरीके से हमारे पास कुछ बना है, ओके, एंड वेव्स बने हुए, मतलब जैसे कपड़े की बुनाई होती है वैसे वेव्स है, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए वेव थिकनेस, थिकनेस मतलब ये वाली जो थिकनेस है कितनी चाहिए, तो यहाँ पर वेव की थिकनेस है, ये देखिए बढ़ रही है, ये कम हो रही है, ठीक है। नंबर ऑफ एक्स पैड, मतलब ये एक्स और वाई, ये आप लोगों को पता ही है, तो मैं अभी ये बढ़ा देता हूँ और इसके अंदर भी मैं ये बढ़ा देता हूँ। कोशिश कीजिए कि आपको ये जो चीज़ें कर रहे हो ना, ये ज़्यादा फ्लूइड नहीं होते, आप डबल क्लिक कीजिए इधर और यहाँ पर नंबर डाल दीजिए, ये बेस्ट रहेगा। जैसे मैं डालता हूँ 18, तो देखिए वो इजी हो जाएगा आपको करने के लिए, ठीक है। अब आप अभी आप इसके देखिए, अभी भी ये टच नहीं, राइट, तो अब ये थिकनेस को थोड़ा सा कम कर लीजिए ताकि ये एक दूसरे में मर्ज हो जाए, धीरे धीरे कीजिए, क्योंकि जितना आपका कंप्यूटर कैपेबल होगा उतना अच्छे से और जल्दी जल्दी होगा, नहीं तो स्लो होगा, ये देखिए, ठीक है। और ये वाली जी चीज़ें हैं, अगर मैं इसके सरफेस के साथ में रखूँ इसको, तो आप देख सकते हो इसके अंदर सरफेस बाहर है, ऊपर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आपको सही से करना है इसका पाइप की थिकनेस वगैरह, मूव अप एंड डाउन यहाँ से कर सकते हो आप, ये देखिए जैसे मैं अप एंड डाउन मूव कर सकता हूँ, ये देखिए ऊपर मूव रहा है और ये नीचे मूव रहा है, ठीक है। मैं अभी ये 0 पे रखता हूँ मैं, ओके ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 बटन्स दिए हुए हैं, गेट कर्व्स, क्रिएट मेश पाइप। अभी मैंने जो बनाया है ये मेश वाले पाइप्स बनेंगे, वो मेश बनेंगे, लेकिन आपको अगर चाहिए कि नहीं मुझे तो मेरा मैं खुद का पाइप बनाना चाहता हूँ, पाइप सरफेस वाला पाइप चाहिए, तो आपको कर्व्स ले लो, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे गेट कर्व्स करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सारे कर्व्स आ गए, इसको मैं हाइड करता हूँ, ये देखिए मेरे सारे कर्व्स आए। अब इस कर्व को आप पाइप कमांड दे के, ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से, आपको पता है, राइट। मैं अभी राइट क्लिक करता हूँ, मे बी फटाफट बन जाए, ओके दोस्तों। तो देखिए ये बन गया है और पाइप हमारा अच्छे से ड्रॉ भी हो गया है, तो देख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ले सकते हो, बना सकते हो और इजीली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, देखिए, ठीक है, ये नॉर्मल पाइप है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेवी होगा, और अगर आपको मैंने जो दिए हैं उसी पाइप के ऊपर वर्किंग करनी है, जैसे कि मैं इसके अंदर जाके ये वाला ले लेता हूँ मैं, और सिलेक्ट सरफेस कर देता हूँ मैं, एंड इसके ऊपर हाइड कर देते हैं, और जैसे 15 एंड 15, ओके, एंड 0.1, ओके, ठीक है। तो मुझे यही पाइप चाहिए, मतलब मान लेते हैं पाइप की थिकनेस मेरी 0.4 है, 0.5 कर देता हूँ मैं, ओके, क्रिएट मेश पाइप, ठीक है, क्लोज कर दीजिए। देखिए हमारे पास में ये पूरा मेश वाले पाइप्स आ गए हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैंने आपको अभी अभी दिखाया था, तो जैसे मैं इसके अंदर
दिखा सकता हूँ, जैसे कि लेते हैं हम लोग सिलेक्ट सरफेस, ओके एक बार के लिए इसको मैं हाइड करता हूँ। ओके यहाँ पर ना ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर आपको अच्छे से मेंटेन रखना है तो आप ये ना ये इवन नंबर रखिए, ऑड नंबर मत रखना प्लीज, ठीक है। ओके अब मैं क्या करता हूँ, इसको बढ़ाता हूँ, देखते हैं ये बढ़ रहे हैं। ओके गुड गुड गुड, ओके ओके बस ठीक है। अब ये जो है इसको मैं 0.15 कर देते हैं एंड पाइप की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं 0.5। ओके ये 29 हो गया है, अरे परफेक्टली आया है। ओके कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। और एक बार के लिए ये भी बाहर निकालता हूँ मैं, ताकि पता तो चले ना कि अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, राइट। तो ये अंदर बाहर करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मूव पैटर्न डाउन डाउन करें, बस बस देख सकते हैं हो गया। ओके क्रिएट मेश पाइप मेश क्लोज एंड डन, ठीक है। अब आप इसको एक बार रेंडर करके देख लेते हैं, तो देखिए इतना इजी तो आई थिंक कहीं भी नहीं था करना, बहुत इजीली हो गया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है। तो आई होप कि आप ये टूल समझ गए होंगे और ये आपके बहुत काम का होगा। सो आप यूज़ कीजिए इसको और बताइए कि आपको कैसा लगा है इसके अंदर, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में सबको सॉल्व कर दिया है, प्लीज़ वो देखिए, उसके बाद ही आप कुछ भी क्वेरी डालना है तो डालिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।